कैसे हो दोस्तों? सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवा। जिसको जैसा अच्छा लगता है, मेरा जो अभिवादन है वो स्वीकार करें। बात करी थी हमने कि डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने के बाद हम एमसीक्यूज का सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें पर डिस्ट्रिक्ट हम 50 से 100 डिस्ट्रिक्ट्स के 100 क्वेश्चंस के करीब कवर करेंगे। और उसी सीरीज़ में आज बात करेंगे हम लोग ऊना के। तो इसमें लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस। बट ये तो एक फास्ट फूड टाइप सोल्यूशन है। बट इन केस इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स का एक सीरीज़ है, जिसमें 12 या कितने वीडियोस हैं, तो एक बार डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में पढ़ लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। बट बहरहाल, अगर टाइम कम है तो आप ये वीडियोस भी, आपका जो है पर्पस, वो सॉल्व करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं ऊना की। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऊना का है कि किस पहाड़ी राजा का जन्म एज ए ब्राह्मण हुआ था? कौन सा पहाड़ी राजा जो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने के बाद वो राजपूत हो गया था? तो इसके चार इसमें वो दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुकेत, क्योंथल, कुटलैहड़ या कुमार सेन। तो आप सभी को पता है कि जैसे जसपाल जो कुटलैहड़ के संस्थापक थे, वो जन्म से तो सॉरी वैसे तो वो ब्राह्मण थे, बट जब उन्होंने स्थापना करी कुटलैहड़ की तो फिर वो राजपूत बन गए थे। तो इसका राइट जो आंसर है वो आंसर सी होगा, कुटलैहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कुटलैहड़ जो रियासत है उसका कौन सा राजा था जिसने कोटवाल बाग किले में सिखों को हराया था या सिखों को वहाँ से निकाल दिया था? लगभग 1825 के करीब की ये बात है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, रामपाल, राजेंद्रपाल, ब्रजपाल या फिर नारायणपाल। तो जैसे आपको पता था कि ये युद्ध जो हुआ था रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है वो आंसर है डी। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो रामपाल है वो नारायणपाल का बेटा था, और जो रामपाल का बेटा राजेंद्रपाल था, और जो ब्रिज ब्रिजपाल था या ब्रिजमोहन था, ब्रिजमोहनपाल था, वो कुटलैहड़ का क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। तो राइट आंसर है नारायणपाल। इसने क्या किया था कि जो कोटपाल बाग किला है उसमें सिखों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली। कांगड़ा से अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो नो डाउट चार ऑप्शंस दिए हैं इसने, गुलेर है, नूरपुर है, जसमा है और कुटलैहड़ है। तो जो कांगड़ा से सबसे अलग होने वाली सबसे छोटी जो रियासत थी वो कुटलैहड़ है, नो डाउट। आंसर डी है इसका, आंसर है इसका कुटलैहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुटलैहड़ रियासत का अंतिम शासक कौन था? चार ऑप्शंस इसने दिए हैं, ब्रिजमोहन पाल, रामपाल, जसपाल या फिर शिवपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिजमोहन पाल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान से है, या ऊना में किस स्थान से उनका संबंध है? तो चार ऑप्शन है इसके, कुल्लू, मंडी सुंदरनगर, नदौन, हमीरपुर या फिर शिवबाड़ी, गगरेट, ऊना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवबाड़ी। शिवबाड़ी में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जो द्रोणाचार्य से लिंक है उसका, ऐसा माना जाता है। तो क्वेश्चन है इसका डी आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कि 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी? तो आपको पता है कि 1966 तक तो ये पंजाब में था, उसके बाद ये कांगड़ा में चला गया था, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और उपयुक्त में थे कोई नहीं। बट 1966 में ऊना जो है वो हिमाचल में आ गया था और वो कांगड़ा में चला गया था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कांगड़ा, आंसर ए कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि बंगाणा उपमंडल जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो नो डाउट बंगाणा उपमंडल जो है वो किस में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जसमा रियासत की स्थापना किसने करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके चार ऑप्शन आ जाते हैं, पदम चंद, लक्ष्मण चंद, पूरब चंद या फिर श्री चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, पूरब चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवा दून रियासत की राजधानी कहाँ पर थी? जसवा
या जस्मा दून, कहीं कभी कहीं भी कभी कभी आपको वो जस्मा भी लिख सकता है, कभी कभी जस्मा दून भी लिख देता है। तो जस्मा रियासत की राजधानी जो थी वो थी, हम सभी को पता है कि अम्ब के नज़दीक थी, कौन सी जगह पे, राजपुरा करके। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊना ज़िले का औद्योगिक शहर कौन सा है। हालांकि ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि अभी ऊना में बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल टाउन्स हो गए हैं, बट इसमें अगर ये ऑप्शंस आता है, महतपुर करके ऑप्शंस आता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अम्ब ग्रेट और ये भी आजकल इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो इस क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े लीन हैं, बड़े रेयर चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उल्ना जिले का निर्माण कब हुआ था। तो सभी को पता है कि 1972 में जो है उन्ना का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान नदी परियोजना जो है हिमाचल के किस जिले में चलाई जाती है, किस जिले में है परियोजना जो है। तो ये जो स्वान नदी जो तटीकरण का ये प्रोजेक्ट है वो है हिमाचल के ऊना ज़िले में चलता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसका आंसर जो है वो ए होगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि 1966 में हिमाचल विलय से पूर्व जो ऊना है वो पंजाब के किस ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। तो आपको पता है कि ऊना जो है होशियारपुर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। तो चार ऑप्शंस हैं इसमें, इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका बी। 1966 से पहले जो हिमाचल ऊना है वो पंजाब के होशियारपुर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था या तहसील हुआ करती थी। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है 14 नंबर, जो जसमा और कुटलैहड़ जो रियासतें हैं वर्तमान में किस ज़िले में स्थित हैं। तो जसमा और जो कुटलैहड़ है वो ऊना ज़िले में स्थित हैं अभी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऊना ज़िला। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बोलता है कि ऊना तहसील को ज़िले का दर्जा हिमाचल के किस मुख्यमंत्री ने दिया था, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, राजा वीरभद्र सिंह, यशवंत सिंह परमार, प्रेम कुमार धूमल या फिर जयराम ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है इसका कि जो किस वर्ष होशियारपुर ज़िले से ऊना तहसील को हिमाचल में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है कि 1966 तक तो ये पंजाब में था, फिर ये चला गया था हिमाचल में, तो 1966 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर बी, 1966। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ऊना ज़िले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो ऊना ज़िले का जो सबसे बड़ा गांव है वो है देला गांव, ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, बट जो इसका राइट आंसर है वो है देला, ऑप्शन डी है एक्चुअली, ये सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है देला करके जो गांव है वो इसका जो है राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, बडेड़ा राजपूता है, मुबारक हो नहीं है, मुबारकपुर लिखा होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद 18 क्वेश्चन आता है कि ऊना का पुराना नाम क्या था। तो ऊना का जो पुराना नाम था इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जसमा दून, कुटलैहड़, ऊना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊना का जो पुराना नाम था उसको जसमा दून के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए, क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पेन के साथ भी आपकी कुछ करेक्शन जो है ना वो कर दूँ, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है कि ऊना ज़िले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, दो हैं या तीन हैं या चार हैं या पाँच हैं, कितने हैं। तो बेसिकली जो इसका राइट आंसर है वो आंसर होगा डी, और डी है मतलब इसके ऊना ज़िले के कितने हैं विधानसभा क्षेत्र। ऊना ज़िले में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं आपके, कुटलैहड़ है, ऊना है, हरोली है, चिंतपूर्णी है और गगरेट है, ठीक है। और अभी सभी के सभी जो वो हैं ऊना को छोड़ के चार में से पांच में से चार सीटें अभी मतलब 2023 में वो हैं कांग्रेस पार्टी के पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये डी, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता ही है कि चिंतपूर्णी जो है वो ऊना में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोलता है कि स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर हजारा सिंह का संबंध हिमाचल के किस जिले से है। तो ठाकुर हजारा सिंह जी का जो संबंध है वो हिमाचल के ऊना ज़िले से है।
तो चार ऑप्शंस हैं और बेसिकली जो इसका राइट आंसर है वो है ए, ऊना जिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नगर परिषद जो संतोषगढ़ है हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संतोषगढ़ है कहाँ पर, राइट। तो ये जो संतोषगढ़ है वो ऊना जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, ऊना। संतोषगढ़ जो है वो नगर परिषद है, वो है ऊना जिले में स्थित है। उसके बाद नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में है कि महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल एरिया है, गगरेट है, अंब है और काला अंब है, इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो ऊना जिले में नहीं है। तो गगरेट तो ऊना में है, उसके बाद जो काला अंब है वो सिरमौर में पड़ता है, अंब जो है अंबा लिखा हुआ है, ये बेसिकली अंब है, तो ये पड़ता है हमारा अंब, तो अंब में है, अंब तो तहसील है एक इसकी ऊना की, और जो काला अंब है वो पड़ता है सिरमौर में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 24, उसमें बोलता है कोट कहलूर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कहालचंद, जो कहालचंद है उसने जो है कोट कहलूर का निर्माण करवाया था। हालांकि ये ऊना से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, उसमें बोलता है कि ऊना में जो बीज संवर्धन केंद्र है वो कहाँ पर है। तो जो पेखूबेला करके जगह है वहाँ पे बीज संवर्धन केंद्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर बी, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे देखोगे तो जलेड़ा करके लिखा है, तो जलेड़ा में भी एक जो है दुग्ध अभिषेचन केंद्र है जलेड़ा में, और अजनौली में पोल्ट्री फार्म है, और पेखूबेला में जो बीज संवर्धन क्षेत्र है, और जो सलो करके जगह है यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो आईआईटी है ऊना की, तो पेखूबेला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं वो कि माता चिंतपूर्णी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो चार ऑप्शन देता है, नहरी है, मैडिया है, गगरेट है या चिंतपूर्णी में है। तो जो माता चिंतपूर्णी का मंदिर है वो है चिंतापूर्णी में स्थित है, तो इसका नंबर जो आंसर है वो होना चाहिए डी। उसके बाद नंबर है 27 कि ऊना जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऊना जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका वो है ए, 1540 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग, 1540 वर्ग किलोमीटर। नंबर अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है टीम ने डाला हुआ। ऊना जिले की जो जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो ऊना जिले की जो जनसंख्या है उसका घनत्व है 338। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यहाँ पे डी लिखा हुआ है वो गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट में पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित एकमात्र जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है वो किस जिले में स्थित है। तो सभी को पता है कि वो ऊना जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में बोलता है कि भारत की हिमाचल की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो हिमाचल के किस जिले में शुरू हुई। तो जो हिमाचल की पहले वंदे भारत रेल है वो हिमाचल के ऊना जिले में शुरू हुई, तो उसका जो राइट आंसर आने वाला है वो है डी, बिकॉज ऊना में ही जो है ब्रॉड गेज है और वंदे भारत जो है वो ब्रॉड गेज पे चलती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, उसमें पूछता है कि नंगल डैम तलवाड़ा रेलवे लाइन हिमाचल से किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये जो इसका राइट आंसर है ऊना, ऊना से होकर गुजरती है, ऊना जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो, उसके बाद आता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना के किस कहाँ ऊना में कहाँ पर स्थित है। तो जो ये है स्लो करके एक जगह है वहाँ पे स्थित है, तो आम्ब स्लो बंगाणा मुबारकपुर करके ऑप्शन दिए हुए हैं, बट इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो। 33 में बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में जो स्वां नदी के प्रोजेक्ट चले हुए हैं उसमें भारत के अलावा कौन सा देश जो है भारत की मदद कर रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है जापान।
जो जापान है वो भारत की स्वा नदी प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा है। उसके बाद 34 में होता है कि ऊना जिले का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो जो स्वा नदी है उसको ऊना निजी नदी ऊना जिले का शोक भी कहा जाता था, क्योंकि ये मानसून के टाइम में इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी और जिसकी वजह से जो किसानों को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, फसलों का नुकसान होता था, इसलिए इसको ऊना जिले का शोक भी कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर इसका है ए, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। उसके बाद 35 में बोलता है कि सोमभद्रा जो है किस नदी का पुराना नाम है, तो जो सोमभद्रा है इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बट जो स्वा नदी है उसका ही जो एक नाम है वो सोमभद्रा करके है। ऊना में एक सोमभद्रा फेस्टिवल भी होता है जो बेसिकली स्वा नदी को डेडिकेटेड है, सोमभद्रा। 36 जो क्वेश्चन आता है उसमें बोलता है कि ऊना जिले को दो हिस्सों में विभाजित करने वाली नदी का नाम बताइए। तो जो बेसिकली अगर स्वा नदी जो है, अगर आपको याद रहेगा ऊना जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि जो ये ऊना ऐसे जैसे करके ऊना आता है ऐसे जैसे करके, और जो ये स्वा नदी है वो दौलतपुर से निकल के सीधा यहाँ पे जाके संतोषगढ़ के पास जाके यहाँ पे चली जाती है, कहाँ पे सतलुज में मिल जाती है आगे जाके। तो स्वा नदी जो है ऊना को दो जिलों में बांटती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। 37 में पूछता है कि स्वा नदी जो है किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो स्वा नदी जो है आगे चल के किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है, तो जो स्वा नदी है वो सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सतलुज। और उसके बाद पूछता है कि सतलुज नदी ऊना में कहाँ से प्रवेश करती है, तो लठियाणी में जो है सतलुज जो नदी है वो बिलासपुर को छोड़ के लठियाणी के पास जो है ऊना में एंटर करती है, और भरमोटी एक जगह है जहाँ से वो पंजाब में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लठियाणी। अम्ब अंदौरा जो रेलवे स्टेशन है वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो नाम से ही पता लग रहा है अम्ब अंदौरा जो है वो ऊना जिले में स्थित है। ये एक इसने लिखा हुआ है, ऊना जिले में दूध अभिषेतन संयंत्र कहाँ पर है, तो ये इसने चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को इसका राइट आंसर तो वैसे जलेड़ा है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है पूछता नहीं है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे ऊना में तीन जो है अभिषेतन दूध अभिषेतन यंत्र हैं, एक तो जलेड़ा में है, दूसरा आपका बंगा इसमें है बंगाणा में है, एक जलेड़ा में है और एक तीसरा मैं भूल रहा हूँ, बट तीन जो है विशितनी है पूबोवाल में है शायद। जसमंदु रियासत में अकबर के समकालीन राजा कौन थे, तो जो उमेग सिंह थे वो अकबर, जो गोविंद चंद थे वो अकबर के समकालीन राजा थे। जसमा रियासत के किस राजा ने मुगलों के खिलाफ दो बार विद्रोह किया था, जो अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने मुगलों के विरुद्ध दो बार जो है वो विद्रोह किया था। महाराजा रंजीत टाइम के समय में जसमा के राजा कौन थे, तो जो उमेग सिंह थे वो महाराजा रंजीत सिंह के समय जसमा के राजा थे। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसमा रियासत सिक्कों लिखा है यहाँ पे, सिख है एक्चुअली, सिखों के अधीन कब आई थी, सिख। तो चार ऑप्शन दिए हैं इसने, जो जसमा रियासत है वो सिखों के अधीन आई थी 1815 में, जो आपका सियालकोट में जो सभा बुलाई थी रणजीत सिंह ने पहाड़ी राजाओं की, वहाँ पे जो मेघ सिंह थे वो गए नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने फिर इनको पेनल्टी लगाई थी और इनको 12,000 जो है वो रियासत दे दी थी, जागीर दे दी थी, और इसके बाद जो रियासत है वो सिखों के अंडर आ जाए। स्वतंत्रता सेनानी बाबा लक्ष्मण दास आर्या, महाशय तीरथ राम ओयल, भार्गव गोपीचंद और हजारा सिंह, ये जो सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो ऊना मतलब हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो इनका जो राइट आंसर है वो है ऊना। उसके बाद बोलता है कि पैरा ओलंपिक जापान में भारत के लिए जो रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो राइट आंसर है उसका ऊना।
उसके बाद बोलते हैं कि जो दीपक ठाकुर सोंखला थे, जो भारतीय हॉकी टीम के एक सदस्य थे और उसके बाद जो जूनियर हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, वो हिमाचल के किस जिला से संबंध रखते थे? तो वो थे ऊना जिले से संबंध रखते थे दीपक ठाकुर जो थे। ऊना शहर की नींव किसने रखी थी? तो बाबा कलाधारी हैं, उन्होंने जो है 48 में बाबा कलाधारी जो हैं उन्होंने ऊना जिले की नींव रखी थी। और जो ये बाबा कलाधारी थे, ये गुरु नानक देव जी के वंशज हुए करते थे, और जो भी इनके डिसेंडेंट्स हैं उनको बेदी बोला जाता है। और ऊना में अगर आप जाओगे तो बेदियों के गुरुद्वारे हैं, तो माना जाता है कि जो ये बेदी हैं वो गुरु नानक देव जी के डिसेंडेंट्स हैं। और इनको बेदी इसलिए कहा जाता है कि माना जाता है कि जो इनके इन्होंने जो सारे जो वेद पुराण थे वो पढ़े हुए थे, चारों वेद पढ़े हुए थे, इसलिए इनको बेदी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऊना जिला है उसकी पड़ोस के किस राज्य के साथ जो है वो सीमा लगती है? तो ऊना 50 नंबर आप देखिए, जो 49 है इसको इग्नोर करिए, ये आप इसको इग्नोर करिए, ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, इसमें आप रहने दीजिए। तो हिमाचल जो है पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ जो है वो सीमा लगाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब।